अरे भैया क्या कर रहे हो, अरे भैया रो मत, हार चुका हूं भैया, बहुत मैं आप भैया ये 5,000 रुपए पकड़ो, अरे पकड़ो भैया। खाटू श्याम कचौड़ी वाले के पास वापस आना पड़ा है क्योंकि इनका जो है कुछ सेटअप वगैरह तोड़ दिया गया है और काफी परेशानी इनके साथ हो चुकी है। भैया नमस्कार, भैया आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात हो गई? अरे भैया क्या हो गया? भैया सेटअप टूट गया मेरा, दोबारा से फिर से सेटअप टूट गया और कर्जा बहुत हो गया, मेरे को हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं काम कर पाऊँ। कर्जे वाले मुझे आके यहाँ गालियाँ देते हैं और बहुत ड्रामा करते हैं, मुझे काम नहीं करने देते। तो अरे यार परेशान मत हो आप, क्या हुआ है मेरे को बात बताओ, कितना कर्जा है आपके ऊपर? 1,00,000 रुपए का कर्जा भैया। 1,00,000 रुपए का कर्जा हो गया है? 1,00,000 कैसे हो गया ये कर्जा? एक हाथ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा एक हाथ खराब है, एक ही हाथ से काम चला रहा हूँ और इस हाथ से बिल्कुल काम नहीं हो पाता, इसमें बहुत दर्द रहता है भैया। ये 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे बार बार ये कम से कम 5-6 बार टूट चुका है। अभी फिर से टूटा है? मैं लास्ट टाइम आया था तब कुछ अलग था। अभी टूटा कुछ दिन पहले। अच्छा, ये सारा सामान ये पड़ा हुआ पीछे, फिर तोड़ गए भैया। अब हिम्मत नहीं है काम करने की, अब तो मन करता है बस सुसाइड कर ले, इसी पेड़ पे लटक जाऊं तो ज्यादा। अरे नहीं ऐसा मत बोलो आप, बहुत परेशान हो गया भैया। यहाँ के लोगों से 2-2, 5-5, 1,000-1,000 रुपए मांग के इसको खड़ा किया मैंने, अब हिम्मत नहीं हो पा रही है भैया, मेरे को बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब आप ही बताओ भैया मैं क्या कर सकता हूँ। कई बार तो ऐसे दिन भी देखने को मिले कि बच्चों को दूध भी नशीब नहीं होता शाम को। भैया अब जीने की इच्छा नहीं है मेरी बिल्कुल, अब मेरा घर कैसे चलेगा मेरे समझ नहीं आ रहा। अब मन करता है कि बस सुसाइड कर लूँ, कुछ नहीं रहा मेरी लाइफ में, बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ मैं। अरे भैया क्या कर रहे हो, अरे भैया रो मत, अरे यार भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? हार चुका हूँ भैया, बहुत कर्जा ने बहुत परेशान कर रखा, बहुत कर्जा हो गया भैया, मेरे को एक काम नहीं करने दे कर्जा। आप बताओ हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं आपकी? कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं भैया, आपने पहले भी बहुत हेल्प कर चुके हो। अरे नहीं भैया, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप पेटीएम नंबर बता दो एक बार अपना। नहीं भैया मैं कोशिश करूंगा, कोई बात नहीं भैया। भैया बहुत परेशान है, मैं हेल्प करके जरूर जाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप भैया ये 5,000 रुपए पकड़ो, अरे पकड़ो भैया, आप ये तो 5,000 रुपए तो पकड़ो भैया, कोई बात नहीं। अरे आपको मेरी कसम है, ये 5,000 रुपए पकड़ो आप भैया, आपने पहले ही बहुत हेल्प कर, कोई बात नहीं, हम अभी आपका कर्जा उतारना है, हमें सब मिलके आपका कर्जा उतारेंगे। ये 5,000 रुपए जो है हम भैया को देके जा रहे हैं, बाकी जो कर्जा है आपका वो हम सब मिलके उतारेंगे भाई। पेटीएम कोड ये स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके आप लोगों तक पहुंचाएं और खुद भी 10, 20, 50 मैं नहीं बोलता, आप यही सोच लें, एक मूवी नहीं देखी आपने, 100 रुपए भैया को पेटीएम करेंगे तो 100-100 करके अगर 100 जने 10,000 जने भी करेंगे तो भैया का कर्जा उतर जाएगा। भैया कर्जा उतर जाएगा उसके बाद पार्टी दोगे? स्माइल कर दो एक बार, स्माइल करो, स्माइल नहीं कर रहे, स्माइल कर दो, कर्जा उतरेगा, परेशान मत हो भाई। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार, कड़ी तो आप दिखा दो, एक प्लेट बना दो इसी बात पे। ये देख लो आप, इनकी बढ़िया बढ़िया कचौड़ी है, एकदम राजस्थानी स्टाइल बनाते हो? हाँ जी भैया। और ये देखिए आप, गर्मा गर्म कड़ी आ गई है, कड़ी इनकी बहुत शानदार होती है। आप बस भैया परेशान मत हो ना, अब हम पूरी कोशिश करेंगे आपका कर्जा उतर जाए। ये देखिए भाई हरी चटनी आ चुकी है, ये हमारी कड़ी कचौड़ी रेडी हो चुकी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।